नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीजें और फैक्ट्स क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर जाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है और बहुत ही आपके काम के लिए भी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और वो वैकेंसी बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले मैं आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ले जाना चाहता हूँ। वहां पर चलने के बाद ही मैं आपको पूरी प्रूफ के साथ वो वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो किया गया है, और जब आप लेटेस्ट जॉब्स में जाएंगे, इसमें लेटेस्ट जॉब में, तो वैसे ये एडमिट कार्ड है में जाएंगे, सबसे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, इंडियन एयरफोर्स रैली ऑनलाइन फॉर्म 2020। आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि यार इसको करने के लिए हमें ग्रेजुएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसी नहीं है, ऐसा कोई नहीं, कुछ कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, एज लिमिट जानते हैं, अप्लीकेशन फ़ीस जानते हैं और डेट जानते हैं कि हम कब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि है क्या, ये है इंडियन एयरफोर्स रैली रिक्वायरमेंट 2020 यूपी दिल्ली एमपी एंड झारखंड ऑनलाइन फॉर्म 2020। एप्लीकेशन फ़ीस है ₹0, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा, इसको इसका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट लेवल पे नहीं है, डायरेक्ट 10+12 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आप लोग 10+12 होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से, मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से, या फिर 3 ईयर का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स होता है वो आपके पास होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ये एप्लीकेशन बिगिन कब होगा और ये एप्लीकेशन ख़त्म कब होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है वो 27 नवंबर 2020 को ख़त्म होगा और 28 नवंबर 2020 5 बजे को ख़त्म हो जाएगा, यानी आपके पास केवल 2 दिन, 27 का और 28 का, यही 2 दिन रहेंगे आप इस फॉर्म को भर इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन ही रहेंगे। साथ ही इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर में आपको अवेलेबल होगा। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी कोई खास नहीं है, मैक्सिमम सारे लोग उस एलिजिबिलिटी को किए रहते हैं। इसका एज लिमिट है बिटवीन 17/1/2002-30/12/2003 से लेकर के 30 दिसंबर 2003 तक इसका एज लिमिट होना चाहिए, यानी आप 2003 के बाद और 2000 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अगर एयरफोर्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप भी पायलट बनना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सोचते हो कि आपको ग्रेजुएट लेवल मिनिमम होना चाहिए, आप CDS के थ्रू ये कर सकते हैं या फिर CGL के थ्रू ये कर सकते हैं, NDA के थ्रू भी कर सकते हैं। तो NDA में आपको ज़्यादा चांस नहीं मिलते हैं और CDS के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ज़्यादा बच्चे यानी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसका एप्लीकेशन बिगन है वो 27 से और ख़त्म 28, 2 दिन का ही समय मिलेगा, तो 2 दिन में किसको पता चलेगा कि ये फॉर्म निकला है कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं उनको भी इस बारे में वो नहीं पता होगा, क्योंकि वो CDS के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर NDA के थ्रू जाना चाहते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ। तो जो भी एलिजिबिलिटी है इसमें, जो भी एज लिमिट है, एप्लीकेशन फ़ीस भी ₹0 है, अगर आप मतलब ये एक फ्री ट्रायल की तरह है कि मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, जॉब मिले या फिर ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसका वेन्यू डिटेल जो है वो उत्तर प्रदेश में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, एक एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में है, दिल्ली उत्तराखंड में एयरमैन स्टेशन सेंटर है और एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में है, बिहार में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बेतिया और पटना में है, मध्य प्रदेश में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर और श्यामालाल हिल्स भोपाल में है। तो हाउ टू फिल फॉर्म मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया होगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर पे आप आसानी से भर सकते, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं विथ ₹0 अमाउंट भी इसका ₹0 है, और एलिजिबिलिटी भी आपके पास होगी क्योंकि 12 पास तो हर कोई रहता है, और एज लिमिट भी आप उसके बीच में लाई करते होंगे, तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं क्लिक हियर पे क्लिक करके। तो ये वीडियो बस यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस, ऑल द वेरी बेस्ट।